ये आपको जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्राथमिक जानकारी आपको प्राप्त हुई थी यहाँ आने पर, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और फाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बनके आए और वो मीडिया कर्मी बनके उन्होंने वहां पे बाइट देने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया। इसमें तीन लोगों को भी पकड़ा गया जो पूछना चली जो कर और इसमें इनकी अकीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं पड़े थे तो इसमें भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मानसिक हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से ब्रेन इंजरी है, उसके क्रॉस की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे, मीडिया के समस्त कर्मी इन लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? फायरिंग कितने राउंड हुई है? आपको डिस्कस कर सकता हूँ बता दीजिए चीजें। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जा रहा है।